360, मैं हूं पद्मजा जोशी। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की, जहां के पांपोर में आतंकियों को निकालने के लिए फौज ने आखिरी दौर का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सुबह 6 बजे से आतंकी इमारत में घुसे बैठे थे और सेना ने आग और धमाके के बाद आखिरकार इनका खेल खत्म करने की ठान ली है। जम्मू कश्मीर के पांपोर में सेना ने जोरदार धमाके के साथ इमारत में छिपे आतंकियों को आखिरी चेतावनी दे डाली। सुबह करीब 6 बजे आतंकी एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग में घुसे तो फौज ने नाकेबंदी का ऑपरेशन फौरन छेड़ दिया। कैंपस के अंदर और बाहर तैनात टुकड़ियों के बीच दिन भर गोलीबारी का दौर जारी रहा। झेलम नदी के किनारे बसा ईडीआई कैंपस करीब 5 किलोमीटर के दायरे में फैला है। सुबह आतंकियों ने बंदूक का मुंह खोला तो पूरा इलाका दहल उठा। आज तक की टीम सबसे पहले वहां जा पहुंची और देखा कि कैसे बहादुर फौजियों ने पाक के पाले पोसे आतंकियों के खिलाफ फौलादी ऑपरेशन छेड़ रखा है। सुबह करीब 6 बजे यहां पर कुछ गोलियों की आवाज सुनाई दी थी। 5 फायर जो हैं सुरक्षा बलों की ओर चलाए गए। उसके बाद फिर पूरे इलाके की पुलिस, सुरक्षा बलों और सेना ने घेराबंदी की है। किसी भी शख्स को या किसी भी वाहन को फिलहाल इस इलाके में चलने की इजाजत नहीं है। करीब 5 किलोमीटर के दायरे में फैले ईडीआई कैंपस में 2 बड़ी और 2 छोटी इमारतें हैं और 150 से भी ज्यादा कमरे। सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर तक सेना ने आतंकियों को कैद तो कर दिया, लेकिन अभी उनकी गर्दन दबोचनी बाकी थी। लिहाजा दोपहर बाद कैंपस में एक एक कमरे में ऑपरेशन शुरू किया गया। सर्जिकल स्ट्राइक के पहले जम्मू कश्मीर में करीब 250 आतंकी घुसपैठ कर चुके हैं। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक आधे से ज्यादा पाकिस्तानी हैं और इनका ताल्लुक जैश और लश्कर से है। माना जा रहा है कि पंपोर में सेना के निशाने पर आए आतंकी काफी पहले जम्मू कश्मीर में कदम रख चुके थे। सेना ने ऑपरेशन में इन आतंकियों को सबक तो सिखा दिया, लेकिन सवाल यह है कि खून खराबे की साजिश प्लान कर रहे इन आतंकियों का सॉलिड इलाज कैसे होगा। अशरफ वानी, पंपोर, आज तक। सीधे रुख करते हैं पांपोर का ही, जहां से लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज तक संवाददाता शुजा उल हक। शुजा, कुछ ही देर पहले धमाका सुनाई दिया था, आग लगी थी, फिलहाल क्या हालात है? जी बिल्कुल पद्मजा, दोपहर के बाद लगातार इस बिल्डिंग से धमाकों की आवाज सुनाई देने लगी है और मैं आपको बता दूं कि आईडीज और रॉकेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा था ताकि इन मिलिटेंट्स को किसी न किसी तरीके से फ्लश आउट किया जाए। अभी तक ये सिलसिला जारी था। अब कुछ ही देर पहले हमने देखा कि इस बिल्डिंग में आग भी लगी है और अभी भी गोलीबारी जारी है। लगातार हमको सेना और जो जे एंड के पुलिस के सूत्र हैं उनसे यही जानकारी मिल रही है कि ये ऑपरेशन अभी भी चलता रहेगा। मैं आपको बता दूं पद्मजा कि ये जो बिल्डिंग है जिसमें ये घुसे हुए हैं ये बहुत ही मजबूत कंक्रीट की इमारत है। 7 मंजिला इमारत है, एक छत भी है इसमें। करीब 3 फ्लोर्स तक अब तक जो हमारे सूत्र है वो बता रहे हैं कि सेना पहुंच चुकी है, लेकिन बाकी के जो फ्लोर्स हैं वो अभी तक सैनिटाइज नहीं किए गए हैं। इसीलिए ये जो ऑपरेशन है रात भर चलेगा और हमको बताया गया है कि हो सकता है कि कल सुबह तक भी ये ऑपरेशन जारी रहे। जी, सारी जानकारी के लिए शुजा आपका शुक्रिया। एक आतंकवादी हमले का जवाब दे रही है सेना और दूसरे हमले की तैयारी में जुट चुका है पाकिस्तान। बात करते हैं लश्कर के आतंक की लेडी कमांडर की। पाकिस्तान में बैठे आका के निर्देश पर लश्कर ने अब महिलाओं को आतंक के खेल में झोंकने की साजिश रच ली है। सर्जिकल ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान परस्त आतंकी हैरान परेशान है, वो अब बदला लेने की फिराक में है। लश्कर ने बनाया महिला ब्रिगेड, आतंकी फातिमा खान को बनाया कमांडर। सर्जिकल स्ट्राइक से बौखलाए लश्कर आतंकियों ने हुस्न के पीछे छुपकर आतंक का खेल खेलने की साजिश रची है। लश्कर ने कश्मीर में खून खराबा करने के लिए एक महिला ब्रिगेड तैयार किया है। इस ब्रिगेड के लीडर आतंकी फातिमा खान को बनाया गया है। 9/11 मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद के इशारे पर फातिमा को कमांडर बनाया गया। हाफिज पर्दे के पीछे से चाल चलता है और उसका खासम खास
लश्कर कमांडर साजिद जट उर्फ नामी निर्देश देता है। उसी के आदेश पर कश्मीर घाटी में मौजूद लश्कर कमांडर ने कश्मीर में हमला करने के लिए तीन गुट बनाए हैं। पहले गुट के लीडर फातिमा, दूसरे गुट का लीडर अबू उसामा उर्फ जहांगीर, तीसरे गुट का लीडर हमद। इन तीनों गुटों के कमांडर सीधे सीधे अबू दुजाना को रिपोर्ट करेंगे। कश्मीर घाटी में लश्कर के तीन गुटों के बनाए जाने का खुलासा इंटरसेप्ट से हुआ। खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान में बैठे हाफिज सईद के करीबी लश्कर कमांडर सैफुल्ला साजिद चट उर्फ नोमी और कश्मीर घाटी में बैठे लश्कर कमांडर अबू दुजाना की बातों को इंटरसेप्ट किया था। इस इंटरसेप्ट में और भी खुलासे हुए, मसलन पाक रेंजर की वर्दी में LOC पर घूम रहे हैं आतंकी, इंटरनेशनल बॉर्डर पर लॉन्चिंग पैड पर हैं आतंकी, लश्कर कमांडर ने कश्मीर में खून खराबे का निर्देश दिया, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आतंकी हमले का कोड कार्रवाई, सुरक्षा बलों से हथियार छीनने का निर्देश, आतंकियों की बातचीत इंटरसेप्ट होने के बाद घाटी में सुरक्षा और बढ़ा दी गई है, पाकिस्तान से जुड़े नदी नालों की खास तौर पर चौकसी की जा रही है, पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा सील कर दी गई है। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। वहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। दशहरा मनाने के लिए लखनऊ जा रहे प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अगर चुनाव यूपी के बदले बिहार में होते तो रावण दहन के लिए प्रधानमंत्री बिहार जाते। दशहरा से पहले राजनीति का युद्धकांड चल रहा है, जिसकी पृष्ठभूमि उरी हमले के बाद की सर्जिकल स्ट्राइक से तैयार हुई है। POK में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार लखनऊ आ रहे हैं और लखनऊ में वो ऐशबाग की रामलीला में आ रहे हैं, लेकिन उस रामलीला पर भी सियासत होना तय है, क्योंकि जहां रामलीला होनी है ठीक उसके आसपास कई ऐसे पोस्टर्स लगे हैं जो कहीं ना कहीं सियासत को न्योता देंगे। लखनऊ में सर्जिकल स्ट्राइक के राजनीतिक नियंताओं का स्वागत किया जा रहा है तो अखिलेश ताने कस रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव देखकर रावण दहन की जगह चुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश आना उनकी चुनावी जरूरत है। चुनाव बिहार में होता तो शायद बिहार में रावण जलता, वहां पर लोग जाते, प्रोग्राम है उत्तर प्रदेश में और खासकर रामलीला के लिए, तो कुछ सोच समझ करके आ रहे होंगे, हो सकता है उत्तर प्रदेश में कुछ देने आ रहे हों बड़े पैमाने पर। BJP ने अखिलेश के बयान पर हैरानी जताई और कहा कि ये राजनीतिक छिटाकशी का छिछला स्तर है, जिसमें प्रधानमंत्री के दशहरा मनाने की जगह पर तंज कसे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, स्वाभाविक रूप से इतने बड़े देश में कहां पर रावण दहन करने वो जाते हैं, इस पर राजनीति हो ये बहुत छोटी बात है। जो राजनीतिक पार्टियां इस पर टिप्पणी कर रही है उसमें एक इनसिक्योरिटी का भाव नजर आ रहा है। अखिलेश ने ये भी कह दिया कि अगर प्रधानमंत्री रावण दहन के लिए उत्तर प्रदेश आ रहे हैं तो उम्मीद है कि कुछ देकर जाएंगे। तीन दिन पहले राहुल गांधी ने कहा था कि BJP सेना के खून से दलाली कर रही है। अखिलेश ने उनके बयान का एक तरह से समर्थन कर दिया है। कुल मिलाकर सेना की शहादत पर वोटों के पासे फेंके जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कुमार अभिषेक के साथ बालकृष्ण, लखनऊ आज तक। प्रधानमंत्री पर तो ताना कसा ही, साथ में ये भी कह दिया कि खून के दलाली वाला जो बयान दिया था राहुल गांधी ने वो सोच समझ के ही दिया होगा, ये कहा आज अखिलेश यादव ने। एक और खबर उत्तर प्रदेश से, जहां एक शख्स ने लव मैरिज तो की पर वो पिता नहीं बनना चाहता। उसकी पत्नी कह रही थी कि वो अबॉर्शन नहीं कराना चाहती, बस इसी बात पर पति ने पत्नी का गला दबा दिया। बीवी और उसके पेट में पल रहे 4 महीने के बच्चे को उसने मार डाला। कानपुर की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिभा गौतम ने सुइसाइड नहीं किया बल्कि उनकी हत्या हुई थी। अपने आंचल में एक मासूम की ख्वाहिश ने एक महिला जज की जिंदगी ले ली। जो शख्स पति तो बना लेकिन पिता बनने के लिए तैयार नहीं था, आरोप है कि उसी ने अपने होने वाले बच्चे और पत्नी को मार डाला। पुलिस के मुताबिक कानपुर देहात की कोर्ट में प्रतिभा गौतम न्यायिक मजिस्ट्रेट थी। वो 4 महीने से प्रेग्नेंट थी। उनका वकील पति अभिषेक फिलहाल बच्चा नहीं चाहता था। पुलिस का कहना है कि जांच में इस बात के सबूत मिले हैं कि अभिषेक पत्नी प्रतिभा पर अबॉर्शन के लिए दबाव डाल रहा था, मगर वो इसके लिए तैयार नहीं थी। इस बात को लेकर अभिषेक ने धमकी भी दी थी और जब उसे लगा कि उसकी बात नहीं मानी जाएगी तो उसने दुपट्टे से गला दबाकर
प्रतिभा की हत्या कर दी। और जो व्हाट्सएप के मैसेज हम लोगों ने चेक किए उसमें ये चीज निकली है कि वो बच्चे को अबॉर्ट कराने को लेके इसके अंदर इशू था। सरकमस्टेंशियल एविडेंस और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से इन्होंने नस काटने का प्रयास किया होगा और उसके बाद जब महिला की मृत्यु नहीं हुई है तो उसको वहां पे दुपट्टे से गला दबा। 9 अक्टूबर को पत्नी की हत्या के बाद उसे सुइसाइड बताकर अभिषेक ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद वो गाड़ी में बैठकर मौके से फरार होने की कोशिश करने लगा मगर पुलिस ने उसे रोक लिया और हिरासत में ले लिया। करीब 24 घंटे की जांच में ही ये राज खुल गया कि प्रतिभा ने सुइसाइड नहीं किया था बल्कि उसका तो मर्डर हुआ है। हत्या के इसमें सिम्टम्स नज़र आ रहे थे, जो चीज़ें वहाँ पर साक्ष्य इकट्ठे किए गए, डेड बॉडी का पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी के साथ पैनल से कराया गया, इससे इस चीज़ की पुष्टि हुई कि महिला की गला दबा के हत्या की गई है। पुलिस ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिभा की हत्या के आरोप में पति अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि हत्या से पहले महिला को मानसिक रूप से ससुराल में कौन कौन परेशान करता था। रंजय सिंह, कानपुर आज तक। इंडिया 360 में वापस आपका स्वागत है। खबर अब महाराष्ट्र से, जहां नाशिक धीरे धीरे अमन बहाली की ओर लौट रहा है। पिछले दो दिनों की भीषण आगजनी और तोड़फोड़ के बाद पुलिस को शहर में शांति बनाए रखने के लिए पूरी ताकत झोंकनी पड़ी। 5 साल की मासूम से बलात्कार की कोशिश के बाद नाशिक में भारी नाराजगी थी। राख के ढेर में शोलों की चिंगारी सुलग रही है। हालांकि नासिक का गर्म माहौल धीरे धीरे ठंडा हो रहा है लेकिन तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि एक दिन पहले यहां किस तरह से तनाव भड़का था। 5 साल की छोटी मासूम से बलात्कार के खिलाफ दो दिनों तक तोड़फोड़ और आगजनी होती रही जिसके बाद पुलिस को पूरी ताकत से सामने आना पड़ा। सभी संवेदनशील जगहों पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। हवाई फायरिंग कर सख्त संदेश दिया गया। अगले 48 घंटों के लिए नासिक में मोबाइल और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। एहतियातन कुछ स्कूलों में भी छुट्टी दे दी गई है। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। फायरिंग का इंसिडेंट हुआ है उसके बाद ही वो लोग भाग गए, उसमें से 7 को हमने अरेस्ट किया है और रास्ता फिर चालू किया और उसी समय से नॉर्मल से आना चालू हो गया। एक दिन पहले हालात इस कदर बेकाबू हो गए थे कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को शांति की अपील करनी पड़ी। गृह राज्य मंत्री दीपक केसरकर ने पीड़िता से मुलाकात की और पुलिस से हालात का जायजा लिया। रविवार को पुलिस की 5 गाड़ियां तो राज्य परिवहन विभाग की 8 बसों समेत 4 निजी वाहनों को फूंक दिया गया था। कुछ जगहों पर जमकर पथराव किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर सख्त सजा देने का भरोसा दिलाने के बाद नासिक थोड़ा संभल रहा है। प्रवीण ठाकरे, नासिक आज तक। खबर अब मध्य प्रदेश से, जहां के सिवनी में तेज रफ्तार ट्रक से हुए एक दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। नवरात्रों में उगाए गए जौ विसर्जित करने के लिए लोग जा रहे थे उसी वक्त तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक की चपेट में आए। मौके पर ही 6 लोगों ने दम तोड़ दिया। इसमें 3 बच्चे भी शामिल थे जबकि 1 शख्स ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। हादसे में दर्जनों लोग घायल भी हुए हैं। ट्रक के ड्राइवर को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। इंडिया 360 में आज के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद जारी रहेगा। आप देखते रहिए आज तक।